चाहता हूँ। जी कहिए, स्वागत है आपका। मान्यवर, उत्तर प्रदेश के अंदर माध्यमिक शिक्षा में 80% भागीदारी देने वाला वित्त विहीन विद्यालय का शिक्षक और शिक्षणेतर कर्मचारी आज मनरेगा के मजदूरों से भी बदतर स्थिति में उत्तर प्रदेश के अंदर अपना जीवन बिताने के लिए मजबूर है। वह अपने पारिश्रमिक से न तो अपने परिवार का भरण पोषण कर पा रहा है, न अपने माँ बाप की दवा इलाज करा पा रहा है, और न अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दे पा रहा है, और भाई भतीजे अगर उसको अलग कर दे तो अपने लिए एक मंडई, अपने वतन के लिए एक मंडई भी नहीं बना सकता। पूरे उत्तर प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा की 80% भागीदारी अपने कंधों पर लेकर के अब दूभर जिंदगी को बिताने के लिए मजबूर है। ऐसे शिक्षक उत्तर प्रदेश के अंदर जो प्रदेश के शिक्षा दे रहे हैं और समाज को दिशा दे रहे हैं और राष्ट्र के निर्माण में लगे हुए हैं, उनकी स्थिति बद से बदतर है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार, यह विधायिका हमारी है और विधायिका का यह रोल होता है, माँ बाप का रोल होता है। आज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जो वित्त विहीन शिक्षकों की दशा है, 8 महीने से 1 रुपया न तो प्रबंधक द्वारा पाई और न तो सरकार द्वारा पाई, और वो किसान के बेटे हैं जो गांव में खेती करके जिंदा रहते हैं, और खेती का किसान की खेती जो आज 18.68 रुपए का धान गांव में 11 रुपए में बिक रहा, उनकी लागत भी वहां नहीं उठ पा रही है, वो कैसे जिंदा रह सकते हैं? विषय। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस देश के, भारत के संविधान के आर्टिकल 21 में जीने का अधिकार तो है हमें, आर्टिकल 21 की व्यवस्था तो लागू होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के अंदर जो माध्यमिक शिक्षा का 80% जिसके कंधे पर भार है, वह जिंदा कैसे रहेगा जो 8-8 महीनों से 1 रुपया नहीं पाया किसी संस्था द्वारा? और हम लोग सरकार से अनुरोध किए और सरकार से अनुरोध करने के बाद भी कहीं से कोई सहायता कोरोना में भी उनको नहीं मिल पाई। और दूसरी बात मैं आपसे बताना चाहता हूं कि जो उत्तर प्रदेश के अंदर माध्यमिक शिक्षा में इंटरमीडिएट एजुकेशन एक्ट में अमेंडमेंट हुआ 10 अक्टूबर 1986 को, एडेड विद्यालयों में जो एडेड के विद्यालय इंटरमीडिएट एजुकेशन एक्ट की धारा 7(4) के तहत मान्यता प्राप्त थे, उन्हीं विद्यालयों में अनएडेड फैकल्टियों के लिए 7(क)-क) धारा बनाई गई, और उसी 7(क)-क) धारा जो असंगत धारा है, जो पूर्ण वित्त विहीन मान्यता देने के लिए सक्षम नहीं है, उत्तर प्रदेश के अंदर इंटरमीडिएट एजुकेशन एक्ट में केवल एक ही धारा है 7(4) जिसके अंतर्गत मान्यता दी जा सकती है। उत्तर, अगर यह मैं कह दूं सदन के अंदर कि कोई अतिशयोक्त नहीं होगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर 21,000 जो मान्यताएं हैं वित्त विहीन, सारी मान्यताएं फर्जी हैं, जिस पर हम लोग जब से संगठन बनाए 2004 से वित्त विहीन का, तब से उस पर संघर्ष कर रहे हैं कि इस मान्यता की धारा को चेंज कर दिया जाए। हाईकोर्ट भी गए, हाईकोर्ट ने भी मंजू अवस्थी वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी के केस में कहा कि यह असंगत धारा है 7(क) का, इसको 7(4) में परिवर्तित कर दिया जाए, लेकिन आज तक वो धारा परिवर्तित नहीं हो पाई। सारी मान्यताएं फर्जी है और उस फर्जी मान्यताओं पर सारी शिक्षा चल रही है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं सदन के माध्यम से कि सबसे पहले मान्यता की धारा 7(4) जो है वो 7(क)-क) की मान्यता असंगत धारा है, उसमें केवल एक्ट की व्यवस्था है 7(क)-कोष्ठ में कम में कि किसी एक विषय या विषयों के वर्ग या उच्चीकरण की मान्यता दी जा सकती है, और उस धारा के तहत सारी मान्यताएं जो है 7(क)-क) में दे दी गई, जो बिल्कुल असंगत है उसको 7(4) में परिवर्तित कर दिया जाए। हमें बड़ी इस बात की खुशी है कि हमारे
माध्यमिक शिक्षा मंत्री, उप मुख्यमंत्री बहुत ही लर्नेड व्यक्ति है, आज हमारे सदन के नेता है। मैं उनके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि आपके चलते, आपके रहते 4 वर्षों से हम लोग मांग कर रहे हैं, लगातार संगठन मांग कर रहा है कि मान्यता की धारा को चेंज कर दीजिए। आज तक मान्यता की धारा चेंज नहीं हुई और हमारे अधिकारी जो शिक्षा विभाग में है हमारे नेताओं को पढ़ाते हैं कि 7 अगर 4 में मान्यता आपने दे दिया तो वह मान्यता एडेड की मान्यता है और एडेड की मान्यता अगर आप कर देंगे तो सब लोग वेतन मांगने लगेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ कि जो प्राथमिक विद्यालय एडेड की मान्यता में है, जो जूनियर हाई स्कूल विद्यालय एडेड की मान्यता में है, क्या सरकार की बिना अनुमति के वो एड मिल पाती है? एड देना तो सरकार का काम है लेकिन उसको रास्ता भटका देते हैं। उसको जो प्रस्ताव एक डायरेक्टर महोदय के यहाँ से गया है उसको मैंने देखा है, 7-4 की मान्यता जो है जहाँ होनी चाहिए अमेंडमेंट एक्ट में वहां 7 कर दिया गया। और ऐसे विद्यालयों के जो शिक्षक हैं, 3.5 लाख उत्तर प्रदेश का शिक्षक और शिक्षेत्र कर्मचारी बिना माँ बाप के रोल में जो है उत्तर प्रदेश के अंदर काम कर रहा, जिसकी कोई आज तक सेवा नियमावली नहीं बनाई गई। और सेवा नियमावली बनाने के लिए हमारे सदन के नेता माननीय ने 9 मार्च 2019 को बैठक की और बैठक करने के बाद अमर उजाला और सारे अखबारों में बयान आया जो है कि 10 मार्च 2019 को कि हम वित्त विहीन शिक्षकों की सेवा नियमावली बनाएंगे। आज तक कोई सेवा नियमावली नहीं बन पाई। जो 10 अगस्त 2001 की सेवा नियमावली है उसको अधिकारी हमारे ऊपर जबरदस्ती थोपते हैं। 10 अगस्त 2001 की जो सेवा नियमावली है, एडेड विद्यालयों में अनएडेड फैकल्टी के जो टीचर हैं उनके लिए बनाई गई है। पूर्ण वित्तहीन हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की मान्यता के शिक्षक और शिक्षेत्तर कर्मचारियों के लिए पर लागू नहीं होती है। इंटरमीडिएट एजुकेशन एक्ट में जो सारा 16(6) और 16(6) है जिसमें ऑलरेडी जो है वह सेवा नियमावली पड़ी हुई है। जब से एडेड विद्यालयों में वेतन वितरण अधिनियम 1971 लागू हो गया और चयन बोर्ड आयोग 1982 लागू हो गया तब से वह पूरी तरह से 16(6) की जो हमारी सेवा नियमावली है पूर्णतः रखी हुई है। उस पर कोई काम नहीं हो पा रहा है। उसको हमारे ऊपर क्यों नहीं जो है इम्पोज कर दिया जाता, हमारे ऊपर क्यों नहीं उसको लागू कर दिया जा रहा है, यह बात समझ में नहीं आ रही है कि आखिर में उस सेवा नियमावली को हमारे ऊपर क्यों नहीं जो है लादा जा रहा है, क्यों नहीं हमारे ऊपर उसको जो है रखा जा रहा है। मैं नेता सदन से जो कि हमारे विभाग के हैं, माध्यमिक शिक्षा के मंत्री हैं और बहुत ही लर्नेड व्यक्ति हैं, हम आज सदन के माध्यम से आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि आप इन विषयों को बहुत गंभीरता से लेकर के सबसे पहले हमारी मान्यता की धारा, पहले लीगल मान्यताएं जो सारी इनलीगल हैं उन मान्यताओं को लीगल धारा, एक ही धारा उत्तर प्रदेश में मैंने बता दिया कि इंटरमीडिएट एजुकेशन एक्ट 1921 की धारा 7(4) ही लीगल धारा है, उस लीगल धारा में आप परिवर्तित कर दें। और वित्तहीन शिक्षकों की जो सेवा नियमावली है, जो बिना माँ बाप के रोल के जो है आज 33-34 वर्षों से इस प्रदेश में काम कर रहे हैं, प्रबंधक हमारे रोज उनको रखा करते हैं और रोज निकाला करते हैं। वित्तहीन विद्यालय का शिक्षक आज विद्यालय में 4 बजे तक है और कल जो है आएगा 10 बजे या नहीं आएगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। इस उत्तर प्रदेश के अंदर मनरेगा के मजदूर की तो गारंटी है कि साल में 200 दिन काम कर पाएगा, लेकिन वित्तहीन विद्यालय के शिक्षक के 1 दिन काम करने की गारंटी नहीं है। वो कल आएगा कि नहीं आएगा उसका कोई ठिकाना नहीं है। हमारा प्रबंधक अगर रुष्ट हो जा और उंगली दिखा दे कि कल से तुमको जो है विद्यालय में नहीं आना है तो हमारा सस्पेंशन और टर्मिनेशन दोनों साथ साथ हो जाता है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी मान्यता की धारा जो संघ सही धारा है 7(4) उसमें परिवर्तित किया जाए और हमारे शिक्षकों की सेवा नियमावली बना दिया जाए।
और मानदेय के बिंदु पर आप गंभीरता से विचार करें, समान कार्य का समान वेतन मिलना चाहिए। इस पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक की व्यवस्थाएं आ चुकी है। जब तक यह लागू नहीं हो पाता है तब तक हम सदन से निवेदन करेंगे, अपने नेता सदन जी से यह निवेदन करेंगे कि ऐसे शिक्षकों की जो आज रोजी पाकर भी रोटी के लिए मोहताज हैं, ऐसे शिक्षकों के लिए सम्मानजनक मानदेय की व्यवस्था आप करें। जी धन्यवाद, आपकी बात सारी आ गई लगभग। जी जी।